मुन्नो के लगे तुम आते हाँ वो ये अभी अभी हो मैं बरसी दो चार महीना हुए यहाँ से। अच्छा घर है यहाँ छो अभी अब घर है यहाँ छो अब होने हमारा कसम परेड। अच्छा कोई का बकरा छाया मशान था चार पांच ओ मशान खा अब बकरो था बागम दार मिले मेरे बाल बकरो ये लग पीस में खंड रख बागा मिल वाला बैग मार दे। तो दोस्तों है ना रोज एक न एक के साथ लड़ाई करती रहती है। क्या आदत है तैयार इन बोली पहल दो है फ्रेंड्स कैसे हो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम रावत, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं हूँ रिखनीखाल ब्लॉक के कोटरी गाँव से और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों आजकल ना मतलब सुबह 7 बजे खुल रही है ऐसा हो रहा है। तो नाश्ता हो गया है हमारा और माँ चली गई है घास काटने के लिए, मतलब हरा वाला घास काटने के लिए, और मैं जाऊंगी सूखा घास काटने के लिए। तो आजकल गांव में यही काम हो रखा है, गेहूं की बुआई और गोड़िया काटना। तो चलो आज दिखाती हूँ मैं आपको अपने यहाँ का बुड़ाई। तो मुझे जाना है ठीक यहाँ पे जो ये है, तो यहाँ पे हमारा बुड़ई है ये पूरा, तो वहाँ जाना है घास काटने के लिए। तो आम के पेड़ भी हैं हमारे वहाँ पे। और अभी फ़िलहाल गांव का माहौल बताती हूँ आपको। धीरे धीरे करके पेट काटना शुरू हो गया है, मतलब कि जो घास है जो हरा घास होता है वो लोग काटना शुरू हो गया है गांव में। तो पहले यहाँ पे संतोषी और का घर नहीं दिखाई देता था, तो अब धीरे धीरे करके वहाँ पे भीमल काटना शुरू हो गया है। तो अगर एक दिन और काटेंगे तो उनका पूरा घर दिखाई देगा। और बाकी तो यहाँ पर अभी घास ही है। तो ये है बहुत पुराना ढो का पेड़, तो इस पर फल भी होता है ढो, तो वो तो बंदरों ने खा दिए। तो एक बताती हूँ मैं, यहाँ पे पीला पीला सा दिखाई दे रहा होगा ये वाला, वो है ढो आगी। तो दोस्तों कल भी गए थे हम घास काटने के लिए बोड़ी के साथ, और आज भी जाएंगे बोड़ी और मैं, है ना बोड़ी। आजकल तो गुड़ खूब मिल रहा है और ड्रेस खूब ले आ रहा था मैं। अच्छा का भी बड़ा रिटायर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बुने काम था हमारी। अच्छा यहाँ पे साथ ही हल भी लग रहा है, तो चाचा और आप यहाँ पे जो की बुआई करेंगे चाहे घास काटेंगे। चाचा घास बुदने की क्यारी। अच्छा बल्द जा बुढ़ा लिया रोला। अच्छा तो यहाँ पे चाचा और लगा रहे हल। दादियों ने मतलब आईसोन ने यहाँ पे ये भी लगा रखा है तेड़ू, तो ये है घिन के तेड़ू। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा झेल देख रहे होंगे आप, ये घिन के तेड़ू है। और घिन के तेड़ू के बीज बताती हूँ मैं, कुछ इस प्रकार होते हैं है? और यहाँ पे दादी जी भी बैठ रखी है। खाया दादी रोटी खाए गया चल रही तुम बोलो ढूंगा भी दे रही था गेड़ी इस वाले खेत में तो लगा लिया है चाचा ने हल। तो यहाँ पे वो घास बोएंगे और उस साइड क्यारी करेंगे। तो अभी हल ही लग रहा है उधर। तिवरी का नजारा देखो कितना अच्छा लग रहा है, जबकि बाकी हाल तो खराब हो रखे है इस मकान के तिवरी के भी। तो नीचे से मिट्टी ने खा दिया है, यहाँ पे दीमक लग चुका है। तो यहाँ देखो धीरे धीरे करके ऐसे हो गए हैं। ओ मेरू गांव, ओ मेरू घर हे मां, ओ सुनी देवी। तो ये है तिवरी, तो यहाँ भी ऐसे ही डिजाइन है पर बंद हो रखा है अभी, यहाँ पे ताला लग रखा है तो अंदर का नहीं दिखा सकती। तो ये है डुमडो वाली चाची और का घर। तो अभी जाने हैं हमें इधर, तो हमारा गौशाला भी ठीक उधर ही है जहाँ पे बुने हैं, ऊपर बुने हैं और नीचे वो। और बाकी तो जो यहाँ पे ये पत्थर है ना, ये पत्थर फेंक रखे ऊपर जो घर है ना उसके धुरपली में रखे थे जो पत्थर, वो बंदरों ने फेंक रखे हैं यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे पानी का बोतल भी लेके आ रखी हूँ, प्यास लग जाएगी। वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, पर फिर भी वहाँ से नीचे कौन आएगा। यहाँ पे हमारा पानी रोल, यहाँ पे पानी भी भर लिया है और धीरे धीरे करके अब ना, पहले यहाँ पे पानी आता था, अब वो पानी सूखना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा आ रहा है, वो यहीं पे रुक जा रहे हैं हल्का रीस रीस के। और जो हमारा गाय का बदान वगैरह पूछते हैं ना, वो ठीक यहीं पे पूजा जाता है पानी में, पानी रोल। तो चलो चलते हैं अब। तो क्या होता है, मतलब कि जो यहाँ पे नल लगाते हैं ना, नल यहाँ पे टिकता ही नहीं है, यहाँ पे बस ये जो लकड़ी का होता है इसी का यूज किया जाता है। तो अभी तो पाइप लगा रखा है नीचे दादा ने, हमारे अमरूद के पेड़ तोड़ रखे हैं बंदरों ने, इन पे इतने सारे अमरूद हो रखे थे ना, उन्होंने नीचे देखो ये सारे अमरूद खा रखे हैं उन्होंने, ऐसे हाल कर रखे हैं। काटे अमरूद हम भी तो चखते इस पेड़ के पर, कहाँ चखना था, उन्होंने तो सारे जो भोटे थे वो तोड़ दिए हैं। हमारा ये गौशाला और बाकी ना ऊपर है बुढ़ई, यहाँ से तो आम के पेड़, ये हमारा एक लौता सा कटहल का पेड़ ओ ऊपर चला गया, पर कटहल नहीं आ रहे इस पे। ना बोड़ी जी ला रखी है स्पीकर टाइम पास के लिए, तो स्पीकर भी ऑन करते हैं, मतलब घास ठीक कट जाते हैं ना, उसमें मनोरंजन हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे बोड़ी जी लेके आ रखी है स्पीकर, स्पीकर है दोस्तों ये। लगे तुम्हारे दो चार महीना हुए, अच्छा घर यहाँ छो, अभी घर अब होने हमारा कसम परेड, अच्छा अब होने दे, अच्छा और तब बैग ठीक चल रहे, ठीक चल रहा, आजकल जरा ठंड हो बढ़ गया, अच्छा कद कद ला रहा पहन तो मलता है, अच्छा टॉप लगा गया तुम्हारा, टोपला नहीं लिया यार ये रखी, अच्छा बोली गया, अच्छा बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों बोड़ी जी तो फिट पोरा करके आ रखी है ड्रेस पहन के, तो बोड़ी जी की नौकरी लग गई है यहाँ पे, तो डेबरी बंगोल, तो बोड़ी जी की नौकरी लग रखी है। तो यहाँ पे आप पहरा देने के लिए आ रखे हो? हाँ पहरा देने के लिए, क्योंकि यहाँ सुंगर उंगर और आजकल वो है ना जानवर की वो, अच्छा तो इसलिए आप ड्यूटी, अच्छा तो दोस्तों ठीक आ गया हमारा गांव, यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा गांव है, तो इस वाले धार पे बोड़ी ड्यूटी देने के लिए आ रखी है, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है बोड़ी जी यहाँ पे, मतलब सरकार का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए सेफ्टी के लिए आदमी रखा है यहाँ पे, मतलब ड्यूटी देने के लिए। तो धन्यवाद आपका भी, जो आप हमारे गाँव के लिए ऐसा कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने भी पहन लिया अपनी ड्रेस, तो आजकल ड्यूटी लग रखी है हम दोनों की, मतलब कि यहाँ जो ये है ढेबरी भंगोल, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे सरकार ने हमें ड्यूटी दे रखी है कि हम दोनों आम के उसमें है, आम के पेड़ के नीचे है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा लो रखा है। तो बोड़ी जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज मौसम भी ठीक है, आज धूप नहीं लगेगी, है ना? धूप नहीं लगेगी आज, अच्छा अत नाश्ता करके आ गए? नाश्ता करके भी आ गए, अच्छा और तब आज तो आज पानी उन्हें लेके भी नहीं आया भाई, डायरेक्ट तो मेरे साथ में रहता, नहीं लेके आ रखी हूँ मैं पानी, चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऐसा है ना कि जब साथ में कोई नहीं रहता तो डर लगता है, अच्छा तो थोड़ा अपना डेग डूग बजा के थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, अपना काम भी हो जाता है, काम भी हो जाता है, अच्छा टाइम का पता नहीं चलता, वो तो है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, मुझे भी दिला दो नौकरी, आपकी भी नौकरी बस समझो तुम लगने वाली है, लगने वाली है। ओ तो दोस्तों फाइनली ताई जी ने बोल दिया है कि मेरी नौकरी भी लगने वाली है, और यहाँ पे ये गुड़े का फूल देख रहे होंगे आप, इसी की नौकरी लग रखी है, और यहाँ पे ये देखो ये कुमार देख रहे होंगे ना, ये इतने खतरनाक है नुकीलेदार, इसी के लिए ये ड्रेस यहाँ पे ड्यूटी लग रखी है इन चीजों के लिए, ये बहुत तंग कर रहे हैं ये। तो दोस्तों अभी ना घास काटने के लिए आ गए हम यहाँ पे, तो बोड़ी जी ने वो ड्रेस पहन रखी थी, तो वो इसलिए पहन रखी थी क्योंकि यहाँ पे कुमार लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ड्रेस जो वो वाले होते हैं ना फौजी वाले, तो उनपे कम लगते हैं कुमार, तो बोड़ी जी ने वही पहन रखे हैं। तो बोड़ी उस साइड चली गई है घास काटने के लिए, और इस साइड है हमारी बुनाई, तो मैं इस साइड काट रही हूँ, और माँ चली गई अपनी ड्यूटी पे। और बाकी ना कल तो इतनी भयंकर धूप लग गई थी ना, क्या बताएं, और आज ना मौसम ठंड सा हो रखा है, आज कोहरा कोहरा सा हो रखा है, तो चलो मैं भी फटाफट से काटती हूँ घास।
है, पेड़ ने तो काट दिया है वो ऊपर वहाँ तक, और उसके बाद उसके पल्ली साइड है बाकी गुड़े, और देख रही हूँ इतने ने तो काट दिया इसके उधर है। यहाँ पे बोड़ी जी काट रही है, पर क्या करे, बोड़ी जी का घास ऐसा हो रखा है। कैसे हो रखा है बोड़ी जी? बेकार हो रखा है घास यार। बाबा अच्छा जड़ जड़ अच्छे जा सार। अच्छा मेरे वाल दिसंबर तब एक सौ जाने बोड़ी जी ने कहा था कि इन दोनों को काट दे घास के लिए, तो ये दोनों काट दिए मैंने बोड़ी जी के लिए, और मैं लेके जाऊंगी तिमूल और फर मत्ती बड़े। तो ये दो पुल हैं और बोड़ी जी ओ मत्ती, और यहाँ से ना देखो यहाँ पे रोड है रिगणी खाल के लिए, और इधर यहाँ पे हमारा खोली, तो पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा आपने, तो ऐसे मतलब इस साइड खोली है और इस साइड हमारा गांव इस धार के पल छोड़। अरे ठीक के टाइम पर आ रहो अबुआ, अब बैठो तो हुए क्या बो ना, चल जाल घर। तो दोस्तों यहाँ पे भाभी जी भी आ गई है डांड से घास काट के, और वही देख के बाद घास का बिड़ को मूड निकालना चाह पूला जानवा पड़ने पड़ लो। तो भाभी तो आ रही है डांट से, दिया धोरिया कपड़े, दिया धो लिया कपड़े। अच्छा पैर नहीं आने दिखा रहे। अच्छा दोस्तों ये तो भाई ढके नीचे है, अम्मी माँ देखी मिले तो दरवाजा बंद। दोस्तों यहाँ भाई ढका है टेम्पू, इधर देख। हेलो आई आई, तो अपने ताई के यहाँ रखा है जय जय गेरी नी कहना री, तो इतना महंग है फोन ले टेम्पू बाय। आ गया बाग बाग, आजा आजा, आ गया कहाँ जा रहे हो? नहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हो हैं? तो इतना शर्मेलू बन रखा है और घूमन वाल, तो उसकी ताई ने लगा रखा है वहाँ पे गाने लगा रखे हैं, तो वो अपने ताई के फोन के लिए इतना भयंकर जा रहे हैं यहाँ से। बाय बाय कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे टेम्पू। दादी तुम घास खा दे दी अकेल खाए क्या बकरू था बागमदार मिले मेरे बाल बकरो ये लग पीस में खंड में रख बागा मिल वाला बैग मार दे बैग मिल वाल मिल गाय जग मार मिल वाल आ रखे हम गाय चराने के लिए, तो गाय चराने के लिए यहाँ पे दादी जी ये क्या एक जो सलून करोगे? अच्छा गालों का दे तुम अब, और यहाँ पे सलोनी मैडम भी आ रखी है किला करी चलो। ये तो दोस्तों है ना रोज एक न एक के साथ लड़ाई करती रहती है, क्या आदत है त्यार बोली पहल दो है भूमिका भी आ रखी है, और यहाँ पे ले रहे हैं वो सेल्फी, तो दिखाते हैं इनकी सेल्फी। यहाँ पे सेल्फी लेना चौधरी हो भाभी और चाची जी की वीडियो देखना चाहो तो घाम हम किला देखना चाहो वो हम देखो अच्छे लोग हमने बोला घाम में आंख तेज दिखाई देता है हमें तो ऐसे अच्छा। लगता है अच्छा लग रहा है यार। अच्छा तो यहाँ पे देख रहे फोन, और इधर
इधर सानिया और दिया, तुम भी गोर में आ रही? अच्छा, तो और सानिया कहाँ रही दिवाली? असल छा है? और यहाँ पे आकू भी आ रखा है आजकल छुट्टी। आकू कब तेरा चीज छुट्टी? फोर तक बस। फोर तक? ओ तो वह का जान तुम बोला कख देहरादून? अच्छा आजकल देहरादून चले। अच्छा बा कुछ काम नहीं तो तू भी बना ले। आजकल तेरा रील दगा दगी ना मरे क्या लाइक कर कर अंगठा ठक जाना मर है। कमेंट भी करना। अच्छा ठीक है।